जिले के बड़वा नगर परिषद के सीएमओ के स्थानांतरण के विरोध में एक व्यक्ति ने आमरण अनशन कर कलेक्टर कार्यालय खरगोन पहुंचकर भूख हड़ताल करके धरना दे दिया। बता दें कि बड़वा सीएमओ राधेश्याम पाटीदार को 18 मार्च को स्थानांतरण का आदेश प्राप्त हुआ। इस दौरान उनके साथ समग्र स्वच्छता अभियान में सहभागी बने राकेश चौहान ने स्थानांतरण आदेश निरस्त करने की बात पर भूख हड़ताल की। इस दौरान राकेश ने बताया कि अधिकारी का स्थानांतरण रद्द नहीं किया तो मेरी लाश यहां से वापस जाएगी। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। तो है, मैं भूख हड़ताल पे बैठा हूं और कल से बैठा हूं, और ये जो मेरी मांग है ये है कि जो नगरी प्रशासन में तत्काल जो 18 मार्च को जो ट्रांसफ़र हुए वो रुकना चाहिए, क्योंकि 18 मार्च को हमारा बड़वा भी उस ट्रांसफ़र से प्रभावित हुआ है और वहाँ पर 5 महीने से स्वच्छ भारत अभियान पर काम कर रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में बड़वा को नंबर वन बनाने के लिए जी तोड़ काम कर रहे हैं। नगर पालिका के 150-170 कर्मचारियों के साथ वहाँ के सीएमओ माननीय श्री राधेश्याम जी मंडलोई और मैं उनके साथ पिछले 60 दिनों से स्वच्छता श्रमदान कर रहा था। कहीं ना कहीं इस ट्रांसफ़र से हमारी सभी लोगों की जो है एक रणनीति थी, एक कार्य योजना थी, एक ड्राफ्ट था, एक रोडमैप था, वो जो तैयार हुआ था वो डिस्टर्ब हुआ है। मेरा निवेदन है नगरी प्रशासन विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारियों से, जो वरिष्ठ लोग हैं जो भोपाल में बैठ के ट्रांसफ़र करते हैं, या तो वो दिसंबर से अप्रैल में स्वच्छता सर्वेक्षण को जारी करना छोड़ दे, बंद कर दे, या फिर वो दिसंबर से लेके तो अप्रैल हाफ तक ट्रांसफ़र करना बंद कर दे। क्यों आपके मांग पूरी नहीं होती तो सर जो है बड़वा के लोग यहाँ से डेड बॉडी लेके जाएंगे मेरी। तब क्या मांग करते हैं? बस यही मांग है मेरी कि सर जो है सिर्फ आने वाला जो एक महीना है, मार्च आधा हो चुका है और पूरा अप्रैल आना है, अप्रैल एंड तक सीएमओ श्री मंडलोई जी का वापस जो है तबादला बढ़वा किया जाए और ये जो हुआ था जो ट्रांसफ़र उनका उसको स्थगित किया जाए। क्या नाम है आपका? राकेश चौहान। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।